पैसे तैयार हैं, कहाँ आना है? रामलीला ग्राउंड शाम को 6 बजे वर्ली। ये वसूली कहाँ गया पैसा? और वो बैग भी गायब है, सारे पैसे उस बैग में थे। You are under arrest, Vasuli. हाथ मत लगाना भारती। आज के बाद अगर जय के पास है ना भारती, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरमान, अरमान प्लीज मेरी बात सुनो। आज के बाद अगर जिया के पास आई ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ कुछ तुम ऐसे इतनी छोटी सी जिया के साथ भारती, तुम इतनी गरीब हरकत कैसे कर सकती हो? तुम जिया के साथ? अरमान, मैं मानती हूँ कि भारती ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, पर उसने जिया के लिए कितना कुछ किया ये भी तो देखो ना। तो क्या करूं, एक और मौका दूं कि फिर से मेरी बच्ची की जान खतरे में डालें? मेरी बच्ची मेरे लिए क्या है ना, तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। किसी की वजह से अगर जिया पर इतना सा भी खरोच आ जाए ना, तो उस इंसान की शक्ल देखना पसंद नहीं करता मैं। पर मान, इसमें भारती की क्या गलती है? गलती तो भास्कर की है ना। मुझे नहीं पता किसकी गलती है किसकी नहीं है, ना मुझे पता है ना मुझे जानना है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरी बच्ची की जान जा सकती थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतनी गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया, मेरी बच्ची के करीब आने दिया। गलती मेरी है कि मुझे लगा कि तुम औरों की तरह नहीं हो भारती, एक स्पेशल लड़की है भारती, एक खूबसूरत लड़की है भारती, एक प्यार देने वाली लड़की है भारती। भारती मेरे दिल के करीब है, कितना गलत था। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे फीलिंग्स की वजह से मेरी बच्ची की जान जाती, तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। I'm sorry भारती, I'm sorry, मेरी गलती थी, लेकिन आज के बाद मैं गलती दोहराऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा भारती। तुम जिया के पास कभी मत आना। मुझे अकेला छोड़ दे।
क्या ढूंढ रहे हैं जी? अखबार। एक चीज नहीं मिलती घर में, कुछ संभाल के नहीं रख सकते तुम लोग, कुछ संभाल के नहीं रख सकते। रोज रोज अखबार ढूंढना पड़ता है, रोज रोज। एक दिन का ये आज मिला है, रोज नहीं मिलता ये। अच्छा भारती कहाँ है? कल रात से दिखाई नहीं दी। पता नहीं जी, अपने कमरे में भी नहीं है। अरे कमरे में भी नहीं है? तो फिर कहाँ गए? हो सकता है अपने किसी काम से गई हो कहीं। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन। भारती? नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे पाए भारती कहे? सो रही होगी कुंभकर्ण कहीं की। भारती कल रात से दिखाई नहीं दी बेटा। क्या मैं फोन करती हूँ उसको। सुधा मुझे ये बर्ताव ना पसंद है, रोज रोज घर से गायब रहना। और क्या ऐसा कौन सा काम है? फोन नॉट रीचेबल है उसका। सुधा अपनी बहू से कह दो इस तरह ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा। हाँ अरे सुधा ये देखो, ये तस्वीर हमारे बहू की है ना। हाय राम, और ये लड़का भी कुछ जाना पहचाना। इसीलिए इतनी रात कहाँ है भारती? भारती कहाँ है अरमान? पायल मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझसे मत पूछो, उसके फैमिली से जाके पूछो। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, समझे तुम? भारती कहाँ है किसी को नहीं मालूम, उसका फोन भी नॉट रीचेबल है यार। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम क्या करो? तुमने जो करना था वो तो कर दिया ना अरमान, पहले सबके सामने उसे किस करके, बाद में सबके सामने उसे बेइज्जत करके, राइट? भारती कल रात से अपने घर पर नहीं पहुंची अरमान, अब पता नहीं जब वो पहुंचेगी तो उसको किसकी क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। अब सब कसूर मेरा ही है ना, एवरीथिंग इज माय फॉल्ट, राइट? राइट, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये देखो देखो, भास्कर के माँ पिताजी ने ये फोटोग्राफ देख ली है, तो भारती कल रात से अपने घर पर नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तुमने क्या कहा था कि जिया तुम्हारे लिए क्या है ये बात कोई नहीं समझ सकता, राइट? तो तुम भी ये बात ध्यान से सुन लो कि भारती मेरे लिए क्या है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और अगर उसको तुम्हारी वजह से कुछ हुआ ना तो हे भगवान। यार एक बात बताओ, क्या शादी के बाद हर जनानी को लगने लगता है कि इसको जन्मजात अधिकार है कि आदमी उसी की बात माने, उसी की बात सुने, उसके पीछे 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 चलते? क्या हर औरत को शादी के बाद दौरे पड़ने लगते हैं, वो दुश्मन मैं तेरी, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, वगैरह वगैरह वगैरह? मैं उस हर औरत से नफरत करता हूँ जो शादीशुदा है, या जो शादी करना चाहती है, जिसकी शादी हो रही है, या जो शादी के बारे में सोच भी रही है। आई अबोर देम। रीजन आई अबोर देम। गुड। व्हाट? तो तुम क्या मुझे भी अबोर करते हो? मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ। नहीं मेरी डार्लिंग, तुम थोड़ी, मैं तो बाकियों के बारे में बात। हेलो हेलो हेलो, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तुम लोगों के नहीं सुनना चाहता। ओके सर, बताइए क्या हुआ?
25 साल पहले की ये बात है। मैं एक अच्छी खासी रोमांटिक फिल्म देख रहा था जो अचानक हॉरर फिल्म में बदल गई और अभी तक खत्म नहीं हुई है। कौशल्या का फोन आया था। सर प्लीज सर, नाम तो करेक्ट लीजिए, इट्स करोला। अगर वो करोला है तो मैं भी अमरजीत नहीं एम्स्टर्डम जीत चड्डा हूँ। ओके मिस्टर एम्स्टर्डम जीत चड्डा, क्या कह रही थी वो? क्या कह सकती है वो भाई, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बेटी को ऑफिस से कैसे निकाल सकते हो। अनु को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया ना, आई मीन अभी करा रही होगी इतने टाइम तक डेंटिंग पेंटिंग अपने फेस की, मुंह में पट्टियां बंधी होंगी अभी तक। हाउ कूल, यू नो ज्ञान, लास्ट टाइम ना करोला ने अपने लिप्स की सर्जरी कराई थी परफेक्ट लिप्स पाने के लिए, बिल्कुल एंजेलिना जोली की तरह ऐसे। लोग तो फैशन के साथ साथ अपनी ड्रेस बदलते हैं, लेकिन हमारी करोला फैशन के साथ साथ अपनी शक्ल ही बदल देती है। हेलो yeah. कौन है? आ रही है। आप मजाक कर रहे हैं ना? आ रही है। No, it's impossible. Because अगर वो आ रही होती तो वो कम से कम एक फोन करके तो बताती ना मुझे। वो आ रही है। वो आ रही है। केरला आ रही है। ए, भाजी वाली इधर ऑफिस में क्या करेंगे रे? भाजी वाली नहीं, केरला, मिसेस केरला। देवा रे देवा, चल चल सबको बता दे। चल चल चल। करेला आ रही है। क्या तुम्हें नहीं पता वो कितनी ज्यादा इंटरफेयरिंग औरत है? I'm telling you one thing, ज्ञान, किसी भी हालत में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है। हमारे बीच में? ये कुर्सी? Just kidding, darling. It's not funny, ज्ञान, okay? Sorry, Vini. You mean तुम्हारे मेरे बीच में एक छोटा सा प्यारा सा बंधन बन जाना, right? करोला मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ज्ञान, और मेरी जॉब के लिए यही बेहतर है कि उसे पता नहीं चले कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। शुक्र है, मैं तो थोड़े दिन की छुट्टी में हूं, पर लगता है काफी लोगों की यहां लंबी छुट्टी होने वाली है। क्या मतलब? कुछ नहीं डार्लिंग, आप आते मिलो, सी यू। या ठीक है, फाइन। ओह हेलो मैम, हाउ आर यू मैम, व्हाट अ सरप्राइज। आई एम फाइन स्वीटी, पर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मैम? आई मीन आई एम फाइन। ओह यू मीन तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है? आई एम सो सॉरी, तुम कुछ करती क्यों नहीं? जनी मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई फोन आया तो बोलना मोबाइल में करें। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप यहाँ नौकरी के लिए आई हैं तो आई एम सॉरी, कोई वैकेंसी नहीं है, अगले साल आइएगा। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम जोक्स तो अच्छे मार लिया करो अमरजीत। कौशल्या,
ओए आई एम सॉरी, तुझे पहचाना नहीं यार। वो क्या है, हर बार मुझे लगता है कि तू और भी ज्यादा डिफरेंट, मेरा मतलब है ब्यूटीफुल दिखने लगती है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कौशल्या जी, इट्स करोला एंड डोंट वरी अमरजीत, मैं पहचान लेती हूँ, क्योंकि तुम आज भी उतने ही फनी लगते हो जितना पहले लगते थे, उतने ही इनएफिशिएंट हो, उतने ही इग्नोरेंट हो, जो आज तक ब्यूटी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाया है ना पूछीपू? पूछीपू? मैंने बोला है कुत्ते ने? क्या फर्क पड़ता है? ऑफिस देखो ना, तुम्हारा ऑफिस कितना ब्यूटीफुल है ना। ये ऑफिस, ये एक ग्लैमर मैगजीन का ऑफिस नहीं लगता है, ये एक सरकारी ऑफिस लगता है। इसे तो सुधारना पड़ेगा। हुँ? ये पुच्ची पूना मेरी कुर्सी डकारने आई है। बाकी का है, जल्दी बुलाओ उसे, वही इस तूफान को हैंडल कर पाएगी। हेलो मैडम, हाउ आर यू? हेलो मैम। अरे 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 मैम, ये फ्लावर्स पुचीपू के लिए। पुचीपू को ये फ्लावर्स नहीं पसंद है, he likes tulips, throw them. Lovely darling, एक क्लियोपेट्रा थी और एक तुम हो। आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम इतनी यंग, ब्यूटीफुल और फ्रेश कैसे रहती हो। डॉक्टर जॉनसन इन अमेरिका, डॉक्टर मेहता इन मुंबई एंड डॉक्टर रिचर्ड इन कनाडा। यू नो डार्लिंग, द यूजुअल योगा, रोज, ग्रीन टी, और तुम तो जानती ही हो मेरे जीन्स ही ऐसे हैं, इट्स नेचुरल। सो जेलस ऑफ यू बेबी, मुझे देखो, मैं तो दिन ब दिन कितनी मैच्योर होती जा रही हूँ। नो, यू लुक लवली बेबी। भाई देखो, जो नेचुरल है वो है, अब ऑपरेशन ऑपरेशन करवा के वो बदली तो नहीं जा सकती है ना। जब तुम्हें बकवास करने की इतनी ही आदत है तो ये भी बक दो कि भारती कहाँ है। भारती क्यों? क्योंकि उसकी वजह से तुमने मेरी बेटी को ऑफिस से निकालने की हिम्मत की है। आई वॉन्ट भारती नाउ। हे भगवान, भास्कर। अरे एक सेट हो ये। सब लास्ट के पास ये दो चीजें मिली है।